तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक बाबा वर्सेस मॉन्स्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि वो सिंह वाला मॉन्स्टर सोन को जोरदार किक लगा देता है और सोन दूर जाकर गिरता है। सोन जमीन पे गिरते ही बेहोश हो जाता है। ये देखकर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खुश होने लग जाता है। ये देखकर बाबा को मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बाबा मॉन्स्टर से कहते हैं, अरे ये क्या किया, क्यों मारा सोन को? तभी वो मॉन्स्टर बाबा से कहता है, मारू नहीं तो क्या करूं, वो कुछ ज्यादा ही मेरे सामने पहलवान बन रहा था। अरे ये क्या, सोन के मुंह से तो खून आ रहा है। स्काइलर सोन के पास आकर सोन को देखता है और फिर बाबा से कहता है, बाबा सोन के मुंह से तो खून आ रहा है और सोन बेहोश भी हो गया है। स्काइलर की ये बात सुनकर बाबा मॉन्स्टर से कहते हैं, सोन को मारकर तूने अच्छा नहीं किया, अब तू मेरे हाथ से बिना मार खाए नहीं बचेगा। तुम्हें उसे मारने से पहले ये सोचना चाहिए था कि तुम्हारे सामने वो एक बच्चा है, लेकिन तुमने उसे ऐसे मारा कि जैसे वो तुम्हारा बहुत पुराना दुश्मन हो। तुम दिखने में जानवर जैसे हो ही, लेकिन तुम्हारा दिमाग भी जानवरों वाला ही है। बाबा की ये बात सुनकर मॉन्स्टर कहता है, क्या तुम्हें भी उसके जैसा ही मार खाना है? अगर खाना है तो बोलो। बाबा कहते हैं, बस अब बहुत हुआ, ये बिना मुझसे मार खाए नहीं सुधरेगा। ये बोलकर बाबा अपने एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं। बाबा को देखकर मॉन्स्टर कहता है, अरे ये आंखें लाल पीला करके किसी और को डराना, ये सब देखकर मैं डरने वाला नहीं हूँ, दम है तो मुझसे मुकाबला करो। मॉन्स्टर की बात सुनते ही बाबा का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और बाबा जंप करके बॉक्सिंग रिंग के अंदर चले जाते हैं। आलोक कहता है, अब ये मॉन्स्टर गया समझो, अब बाबा के हाथों पीटने से इसे कोई नहीं बचाएगा। तभी रेड क्रिमिनल कहता है, ये हुई ना बात, अब बॉक्सिंग देखने में मजा आएगा। और फिर बॉक्सिंग रिंग के अंदर बाबा और उस मॉन्स्टर के बीच फाइट शुरू हो जाती है। क्यों, कैसा लगा? अरे ये क्या, बाबा ने तो उस मॉन्स्टर को बॉक्सिंग रिंग से बाहर फेंक दिया। अरे ये क्या, बाबा ने तो इस मॉन्स्टर को मार मार कर ढेर कर दिया। मॉन्स्टर को बाबा के हाथों पीटता देख रेड क्रिमिनल डांस करने लग जाता है। बाबा कहते हैं, अरे क्या हुआ, तुम लोग रुक क्यों गए, चलो चलो डांस करो, आज तो मजा आ गया इस मॉन्स्टर को मारने में। ये बोलकर बाबा खुशी से डांस करने लग जाते हैं। बाबा को ऐसे डांस करता हुए गुल्ली बुल्ली को बहुत अजीब लगता है। बाबा को डांस करता देख रेड और ग्रीन क्रिमिनल भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और वो भी बाबा के साथ डांस करने लग जाते हैं। बाबा के साथ सारे लोगों को डांस करता देख गुल्ली बुल्ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अरे ये गुल्ली बुल्ली अब क्या करने जा रहे हैं? अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली ने तो बाबा और रेड क्रिमिनल पे हमला कर दिया। बाबा उठते हैं और गुल्ली से कहते हैं, ये क्या बदतमीजी है गुल्ली, पागल हो गए हो क्या? बाबा आप ऐसे मुझे क्यों डांट रहे हैं, मैंने आपको थोड़ी ना मारा है। अच्छा तुमने मुझे नहीं मारा है तो क्या गुल्ली ने मुझे मारा है? अरे हाँ बाबा, गुल्ली ने ही आपको मारा है, आपको दिखाई नहीं दिया था क्या? अरे क्या, बाबा ने तो गुल्ली को एक पंच लगा दिया। अरे क्या, सोन तो होश में आ गया और सोन ये सब चुपचाप देख रहा है। क्यों गुल्ली, कैसा लगा मार खाकर, मजा आया ना? बड़े आए थे मुझे मारने वाले। गुल्ली कहता है, बाबा बुल्ली को क्यों मार रहे हैं, बुल्ली को मत मारिए, बुल्ली की इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है। गुल्ली की ये बात सुनते ही बाबा गुल्ली की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये क्या बात कर रहे हो गुल्ली, जरा अच्छे से बताओ कहना क्या चाहते हो। हाँ बाबा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी ही गलती है, क्या तुम लोग मुझे अच्छे से बताओगे कि मैंने ऐसा क्या कर दिया? बाबा मैं बताता हूँ आपको, सोन उधर बेहोश पड़ा था और आप लोग यहाँ पर गाने बजाने में लगे थे, इसीलिए हम लोगों को गुस्सा आ गया और हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाए, ये जो कुछ भी हुआ है गुस्से में हुआ है। अच्छा ऐसी बात है, अरे हाँ सोन तो बेहोश पड़ा है, मैं तो ये भूल ही गया था। इधर सोन उठकर खड़ा हो जाता है और बाबा से कहता है, बाबा आप लोग लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है। पुलिस वाला इन लोगों को देखकर अपनी गाड़ी रोक देता है। अरे ये लोग इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये बोलकर पुलिस वाला अपनी गाड़ी को साइड में लगाने लग जाता है। आलोक कहता है, अरे ये क्या, यहाँ पे पुलिस वाले को कौन बुला लिया? सोन कहता है, मुझे नहीं पता कि पुलिस वाले को कौन बुलाया, मैं तो खुद ही बेहोश पड़ा था। पुलिस वाला अपनी जीप को साइड में लगाकर इन लोगों के पास आकर खड़ा हो जाता है। पुलिस वाला कहता है, अरे बुल्ली आलोक बाबा आप सब इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पुलिस वाले को देखते ही आलोक दौड़ते हुए आगे आकर खड़ा हो जाता है और फिर पुलिस वाले से कहता है, सर हम लोग इसी रास्ते से जा रहे थे तभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे बॉक्सिंग का गेम होने वाला है तो हम लोग गेम देखने के लिए यहाँ पे रुक गए। पुलिस वाला आलोक से कहता है, अरे ये गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे फाइटिंग क्लब चल रहा है, ये क्लब बिना लाइसेंस के ही कोई चला रहा है, ऐसा मुझे खबर मिला है, क्या तुम लोग मुझे ये बताओगे कि इस क्लब का मालिक कौन है? देखो तुम लोग किसी से डरो मत, चुपचाप मुझे बता दो कि इस क्लब का मालिक कौन है, अगर तुम लोग नहीं बताओगे तो मुझे मजबूरी में तुम सबको ही जेल में बंद करना पड़ेगा क्योंकि इस क्लब के पास सिर्फ तुम लोग ही हो। पुलिस वाले की ये बात सुनकर आलोक कहता है, अरे नहीं नहीं सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो जानते हैं कि हम लोग कैसे आदमी हैं, हम लोग कोई भी कभी भी गलत काम करते ही नहीं है। लेकिन सर फिर भी अगर आपको लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो आप सिर्फ मुझे लेकर जा सकते हैं।
अरे हाँ हाँ आलोक, मैं तुम सबको कैसे भूल सकता हूँ। मैं तो तुम सबसे मजाक कर रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम सब ऐसे गलत काम नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इस क्लब का मालिक तुम में से ही कोई एक है। तभी बाबा पुलिस वाले से कहते हैं, अरे नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, हम में से कोई भी इस क्लब का मालिक नहीं है। तो फिर इस क्लब का मालिक कौन है और कहाँ है? अरे वो मैनेजर कहाँ गया, अभी तो यहीं पे था, लगता है वो पुलिस वाले को देखकर यहाँ से भाग गया। बाबा कहते हैं, सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अभी वो यहीं पे था। तभी रेड क्रिमिनल बाबा को बताता है कि उसने मैनेजर को उस तरफ भागते हुए देखा है। तभी पुलिस वाला कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल वो पकड़ा ही जाएगा, लेकिन आप लोग एक बात मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन सोया पड़ा है। तभी वो दूसरा वाला बॉक्सर पुलिस वाले से कहता है, सर मैं इसे जानता हूँ और हम लोग यहाँ पे साथ में ही आए थे, और हाँ सर ये सोया हुआ नहीं है, ये बाबा से पिटने के बाद बेहोश हो गया है। बॉक्सर की ये बात सुनकर पुलिस वाला कहता है, ये तो होना ही था, तुम लोग शायद बाबा के बारे में नहीं जानते कि बाबा कितने बड़े बड़े मॉन्स्टरों को मारकर धूल चटा चुके हैं। बाबा अकेले ही तुम जैसे 10-10 को संभाल सकते हैं। अब अपने दोस्त को होश में लाने के बाद उससे पूछना कि बाबा से मार खाकर उसे कैसा लगा। अब चलिए बाबा, मैं आप लोगों को अपनी जीप से घर छोड़ देता हूँ, चलिए जाइए आप सब मेरी जीप में जाकर बैठ जाइए। रॉड कहता है, अरे हाँ हाँ सर क्यों नहीं, आप कहें और हम लोग ना जाएं। अरे तुम लोग ऐसे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, चलो जाकर बैठते हैं जीप में। रॉड के इतना कहते ही आलोक, स्काइलर और सॉन जीप में बैठने के लिए जाने लग जाते हैं। तभी बुल्ली अचानक से पेड़ के पीछे से निकलता है और कहता है, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो, हमारे पास तो अपना जीप है ही, तो तुम लोग पुलिस की जीप में बैठकर क्यों जा रहे हो। रॉड गुल्ली बुल्ली की जीप की तरफ देखता है और कहता है, अरे हाँ मुझे तो ये बात याद ही नहीं था कि गुल्ली बुल्ली का भी जीप है, मैं आजकल कितना ज्यादा भुलक्कड़ हो गया हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, चलो सब मिलजुल कर अपने अपने घर चलते हैं। हाँ हाँ कुछ लोग पुलिस वाले जीप में भी बैठ जाएंगे, जाओ रेड और ग्रीन क्रिमिनल तुम दोनों उसमें बैठ जाओ। ये बोलकर सारे लोग गुल्ली बुल्ली की जीप में बैठ जाते हैं और रेड और ग्रीन क्रिमिनल पुलिस वाली जीप में बैठ जाते हैं, और फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है और अगर आप ऐसे ही गुल्ली बुल्ली की नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।